हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि भाद्रपद शुक्ल तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आया है। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां देखने वाले हैं ना। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज हरतालिका तीज है। आज के दिन माँ पार्वती और शिव जी की विधिवत पूजा की जाती है और आज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत भी रखती है। और आज पूरे दिन पूजा ध्यान करने के बाद प्रदोष काल में पूजा की जाती है। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से शुरू हो गई थी, जो आज 6 सितंबर को पर 3:01 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदिया तिथि के आधार पर हरतालिका तीज का जो व्रत है वो आज 6 सितंबर 2024 को है। हरतालिका तीज पर आज रवि योग, शुक्ल योग के साथ साथ हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र भी रहेगा, जो काफी शुभ माना जा रहा है। सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से पति पत्नी एक साथ शिव पार्वती की पूजा कर सकते हैं। हरतालिका तीज आज है और पति की लंबी आयु के लिए सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखेंगी। वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाह जीवन साथी पाने के लिए भी इस व्रत को रखती हैं। गणेश पूजन के बाद आज शिव पार्वती की पूजा करें और आज महिलाओं को शिव पार्वती की कथाएं भी पढ़नी और सुननी चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के संबंध में आपको बताएं, पौराणिक मान्यता है कि सबसे पहले देवी पार्वती ने यह व्रत किया था। माता पार्वती शिव जी को पति के रूप में पाना चाहती थी और इसी कामना को पूरा करने के लिए देवी ने हरतालिका तीज से कठोर तप शुरू किया और देवी के तप से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें देवी को मनचाह वर दिया था और इसके बाद पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। सभी माताओं और बहनों को हमारी टीम की ओर से हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। साथ ही कल 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी व्रत भी रखा जाएगा, मूर्ति स्थापना भी होगी। हर साल भाद्रपद महीने में गणेश चतुर्थी का उत्सव भी बड़े ही धूमधाम से देखने को मिलता है। भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार गणेश जी का जन्म भाद्रपद महीने के दौरान शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर हुआ था। गणेश चतुर्थी की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। प्रभु गणेश का आशीर्वाद हमारे सभी दोस्तों और मित्रों पर बना रहे, प्रभु से ऐसी कामना करते हैं। लेके प्रभु गणेश जी का नाम शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भाजपा और कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी किया। पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत 40-40 नेता इसमें शामिल हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। और वक्त संशोधन बिल पर 8 घंटे से ज्यादा चली जेपीसी की तीसरी बैठक, 3 दिन में 7 लाख से ज्यादा सुझाव आ गए। वक्त संशोधन बिल पर जेपीसी की तीसरी बैठक खत्म हो गई है और ये बैठक 8.5 घंटे चली। 2 सितंबर को विज्ञापन देने के बाद अब तक करीब 7 लाख मेमोरेंडम ईमेल के जरिए मिले हैं। और शराब नीति केस में केजरीवाल की जमानत पर फैसला, सुरक्षित वकील बोले गिरफ्तार रिहाई रोकने के लिए। सीबीआई ने कहा कि बेल के लिए ट्रायल कोर्ट जाएं। फिलहाल दिल्ली शराब नीति केस में गुरुवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अनावर हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद में लोग सड़कों पर उतर आए, अवैध निर्माण तोड़ने पर अड़े। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की भाषा बोल रहे कांग्रेस के मंत्री। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में एक मस्जिद निर्माण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। संजौली में पिछले 5 दिनों से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार 5 सितंबर को विभिन्न संगठनों के साथ स्थानीय लोग भी सड़कों पर आ गए। उनकी मांग है कि मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराया जाए और इसके लिए प्रदर्शनकारियों ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन से बातचीत के लिए राजी, जंग रोकने के लिए भारत और चीन मध्यस्थता कर सकते हैं लेकिन यूक्रेन की जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। सबसे बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया कि वे जंग में समझौते को लेकर यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन ने कहा कि भारत, चीन या ब्राजील दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, यूक्रेन से जंग में थक हार चुके पुतिन को अब शांति चाहिए ऐसा लग रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 2 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। यूक्रेन रूस के सामने डटा हुआ है, रूस के हर हमले का वो जवाब दे रहा है। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन समेत दुनिया के कई नेता अब उम्मीद कर रहे हैं कि भारत क्षेत्र में शांति लाने में अहम हो सकता है। अब लड़ाई तो लड़ाई होती है, आप भी जानते हैं। यूक्रेन से जंग के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दुनिया के कई देश पाबंदियां लगा चुके हैं। उधर युद्ध में रूस को बड़ी सफलता होती दिख नहीं रही है। 2 साल से ज्यादा का समय हो गया और यूक्रेन फिलहाल जंग के मैदान में डटा हुआ है। अब इसी बीच पुतिन ने ब्रिक्स देशों से उम्मीद जताई है कि वे शांति वार्ता में मध्यस्थ के रूप में काम कर सकते हैं। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका है। चलिए बड़ी खबर देखिए, सारा समूह को 15 दिन में करने होंगे 1,000 करोड़ रुपए जमा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में सारा समूह को 15 दिनों की समय सीमा के भीतर एक एस्क्रो खाते में 1,000 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है। वहीं देखिए, दुनिया के 22 देशों ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल ये 22 देशों का संगठन ओपेक प्लस है, जिसमें सऊदी अरब, इराक और ईरान के साथ साथ
साथ रूस भी शामिल है। कच्चे तेल की कीमतों को गिरता देख ओपेक प्लस ने अपने उस प्लान को पोस्टपोन कर दिया है, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई में 1.80 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से इजाफा होता और कीमतों में गिरावट देखने को मिलती। कम डिमांड और जबरदस्त सप्लाई के बीच कीमतों में गिरावट के बाद ओपेक ने ऑयल प्रोडक्शन के फैसले को फिलहाल 2 महीने के लिए टाल दिया है। वहीं देखिए डोनाल्ड ट्रंप का क्रिप्टो करेंसी पर यू टर्न कराएगा व्हाइट हाउस में वापसी, खास प्लान बनाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को दुनिया का क्रिप्टो कैपिटल बनाने की बात की है और ऐसे में क्रिप्टो लवर्स और क्रिप्टो एडवोकेट्स ट्रंप का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न क्रिप्टो बाजार के लिए काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। भारतीय ऑलराउंडर जडेजा ने बीजेपी ज्वाइन किया। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। गुरुवार 5 सितंबर को उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली। बड़ी खबर देखिए, सिंगापुर के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिजनेस लीडर से मुलाकात की है। राउंड टेबल मीटिंग के दौरान उन्होंने सिंगापुर के व्यापारियों को भारत आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि भारत में जब भी पान पर चर्चा होती है तो ये वाराणसी के बिना अधूरी होती है। मोदी ने कहा कि मैं वाराणसी का सांसद हूँ, अगर आप पान खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको वाराणसी में जरूर निवेश करना चाहिए। वहीं बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में किए गए बदलावों के बारे में भी बताया। सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग पर भी समझौते हुए हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे DPI, साइबर सिक्योरिटी, 5G, इमर्जिंग टेक्निक जैसे सुपर कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति बनी है। वहीं दोनों देशों के बीच श्रमिकों के कौशल को बढ़ाने और डिजिटल डोमेन में काम करने वाले लोगों के स्किल को बेहतर बनाने को लेकर भी समझौता हुआ है। भारत में निवेश दोगुना करेंगे सिंगापुर के कारोबारी, दिल्ली भी वहाँ इन्वेस्ट इंडिया ऑफिस खोलने जा रही है। और RBI का बैंकों को निर्देश, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को नौकरी दें। बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर में महिला कर्मचारियों की तादाद बढ़ रही है और इसमें और इजाफा करने के लिए RBI गवर्नर ने बैंकों को महिलाओं को रोजगार देने को कहा है। जियो के 8 साल पूरे हो गए, रिलायंस जियो से जुड़ी ये खबर है। लोग इंटरनेट को धनाधन चला रहे हैं, डेटा खपत में 155 से पहले स्थान पर पहुंचा भारत। दरअसल प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने 5 सितंबर 2024 को अपनी लॉन्च की 8वीं सालगिरह मनाई। टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई के मुताबिक जियो के लॉन्च से पहले हर भारतीय ग्राहक 1 महीने में मात्र 410 MB डेटा इस्तेमाल करता था, लेकिन रिलायंस जियो नेटवर्क आने के बाद ये आंकड़ा 73 गुना से भी अधिक बढ़कर 30 GB प्रतिमाह से ज्यादा प्रति ग्राहक पर यह आंकड़ा आ गया। मतलब पहले लोग महीने में 410 MB के लगभग डेटा खपत करते थे, वहीं अब हर महीने 30 GB से ज्यादा डेटा लोग बाग खर्च कर रहे हैं। यानी भारत में डेटा खपत तेजी से बढ़ी है। और देखिए SSC से जुड़ा अपडेट भी आ गया है। कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल और राइफलमैन के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक सूचना वेबसाइट पर जारी कर दी है। आयोग ने कुल 39,481 वैकेंसी अधिसूचित की है। अगले महीने सुकन्या समृद्धि योजना में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना काफी पॉपुलर स्कीम है। अगले महीने यानी 1 अक्टूबर से सुकन्या योजना के नियमों में बदलाव होगा और नए नियमों के अनुसार केवल पेरेंट्स और कानूनी अभिभावक ही सुकन्या अकाउंट को ऑपरेट कर सकेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर अमेरिका ने जताई चिंता। बाइडेन ने पीएम मोदी से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, अपडेट जानकारियां सामने आ रही हैं। बांग्लादेश के बदलते राजनीतिक हालात और वहां मौजूद अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच अभी हाल ही में बातचीत हुई थी। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी और बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसलों पर पूरी दुनिया की नजर है। बांग्लादेश के हालात पर दोनों नेताओं ने चिंता जताई है। वहीं देखिए रेलवे से जुड़ी बड़ी काम की खबर आ रही है। कई संविदा कर्मचारियों पर चल रहे आपराधिक मामले, अनिवार्य हो पुलिस सत्यापन, रेलवे बोर्ड ने इस तरह की सलाह दी है। रेलवे बोर्ड ने सुरक्षा अपराध आंकड़ों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। रेलवे बोर्ड ने कहा कि सुरक्षा आंकड़ों से कई घटनाएं सामने आई है जहां संविदा कर्मचारियों को यात्रियों की संपत्ति की चोरी, उत्पीड़न और रेलवे संपत्ति की चोरी जैसे मामलों में शामिल पाया गया है। अब रेलवे बोर्ड ने संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए पुलिस सत्यापन को अनिवार्य बनाने की सलाह दी है। स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बनने से हर साल 60 से 70 हजार बच्चों की जानें बची हैं। अमेरिकी संस्थान की रिपोर्ट सामने आई है। अध्ययन में पता चला कि अगर किसी जिले में शौचालयों की उपलब्धता 10% बढ़ाई जाती है तो इससे नवजात शिशुओं की मौत की दर में 0.9% और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत की दर में 1.1% की कमी आती है। अमेरिका के फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं की एक टीम ने 35 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 600 से ज्यादा जिलों के आंकड़ों का विश्लेषण किया है और ये अध्ययन साइंटिफिक रिपोर्ट्स नामक पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ है। इस महीने नहीं दीपावली पर भर सकती है जेब, 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनों के DM में इजाफा हो सकता है, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही हैं। खबर है कि केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई भत्ते या महंगाई राहत में इस महीने वृद्धि होने के आसार कमी है। सूत्रों के मुताबिक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में अगले महीने यानी अक्टूबर में दिवाली से पहले 4% वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में केंद्रीय कैबिनेट महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की फाइल पर मोहर लगा
जा सकती है। आम आदमी के धैर्य की परीक्षा न लें, पश्चिम बंगाल गवर्नर की ममता सरकार को दो टू। गुरुवार को गवर्नर बोस ने कहा कि राज्य में कानून तो है लेकिन उसका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। कोलकाता मामले में एक और डॉक्टर सस्पेंड है। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में 5 सितंबर को सुनवाई होने वाली थी लेकिन ये सुनवाई टल गई, अब 9 सितंबर को सुनवाई होगी। वहीं देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए तक का बीमा कवरेज देने वाली नई नीति की घोषणा की है। जीवन बीमा के लिए 10 लाख रुपए, व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु के लिए 1 करोड़ रुपए, पूर्ण विकलांगता के लिए 1 करोड़ रुपए और आंशिक विकलांगता के लिए 80 लाख रुपए मिलेंगे। असम कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक में एक नई बीमा पॉलिसी शुरू करने का संकल्प लिया गया जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए तक का कवरेज प्रदान करेगी। देश की चौथी सबसे अमीर महिला की बीजेपी से बगावत, टिकट कटा तो सावित्री जिंदल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। दरअसल हुआ क्या कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बुधवार देर शाम को 67 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की थी और लिस्ट आते ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई। कई पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर इस्तीफा दे दिया। सोहना में टिकट काटने पर बीजेपी पर भड़के खेल मंत्री। भाजपा के 67 उम्मीदवारों का एनालिसिस, हरियाणा में हारे नेताओं को भी मौका मिला है। हाईकमान का सीधा मैसेज है, सभी टिकट दिल्ली से तय होंगे। हरियाणा बीजेपी को एक दिन में 32 नेताओं ने छोड़ा। टिकट कटने से नाराज सीएम सैनी डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। हरियाणा में बीजेपी हराने का कांग्रेस का महागठबंधन। आम आदमी पार्टी को सिंगल डिजिट ऑफर, सपा के साथ 4 और दलों को लाएगी साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने जंबो गठबंधन प्लान तैयार कर लिया है और इसके लिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस सीपीआई, सीपीएम, एसपी और एनसीपी को भी साथ लाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस सीईसी की तीसरी बैठक आज होगी। 24 सीटों पर मंथन होगा, यानी हरियाणा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के लिए कांग्रेस की सीईसी की तीसरी बैठक बुलाई गई है जो कि शुक्रवार को होगी और इसमें 24 सीटों पर मंथन होगा। हालांकि 2 बैठकों के बाद ये तय हो गया था कि अब सीईसी की बैठक नहीं होगी, सब कमेटी चर्चा करेगी और आगे का फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। अन्ना और पंजाब सीएम से किसानों की मीटिंग में फैसले हुए हैं। चंडीगढ़ में खेती पॉलिसी समेत 8 मुद्दों को लेकर 4 दिन से संघर्ष कर रहे किसानों से पंजाब सीएम भगवंत मान ने पंजाब भवन में मीटिंग की। मीटिंग में तय हुआ कि खेती पॉलिसी का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसे किसानों और सभी विभागों के साथ शेयर किया जाएगा, फिर किसानों और अन्य मेंबरों से मीटिंग की जाएगी और इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। किसानों के कर्ज से जुड़े मामले में कोऑपरेटिव बैंक में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम यानी ओटीएस लेकर आएंगे। किसानों को भी फायदा होगा, सरकारी खजाना में भी पैसे आएंगे। किसानों पर जो केस गत समय में दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लेने पर भी चर्चा हुई है लेकिन कई मामलों में चालान तक पेश हो चुके हैं। ऐसे में एडवोकेट जनरल पंजाब से राय लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि मीटिंग बहुत अच्छे माहौल में हुई है और उम्मीद है कि किसान भी अपना संघर्ष खत्म कर लेंगे। वहीं देखिए, पंजाब में भगवंत मान सरकार ने जनता को बड़ा झटका दिया। पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाया, बिजली सब्सिडी हटाई। गुरुवार को सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस बैठक में पेट्रोल की कीमतों में 61 पैसे और डीजल की कीमतों में 92 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा 7 किलोवाट तक के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी को भी खत्म कर दिया गया है। वित्तीय हालात सुधारने के लिए सरकार ने फैसला लिया। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हसीना भारत में रहकर चुप रहे। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिया एक इंटरव्यू में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में रहकर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। रिलायंस के बोर्ड ने बोनस शेयर देने की मंजूरी दी है। शेयर होल्डर्स को कंपनी का 1 के बदले 1 शेयर मिलेगा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 151 अंक की गिरावट के साथ 82,201 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 53 अंक गिरा, ये 25,145 के स्तर पर बंद हुआ। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, गोताखोरों ने कहा कि डिप्टी डायरेक्टर का मिलना मुश्किल, डूबने वाले की 15 सेकंड में जान चली जाती है। उन्नाव में गंगा नदी में डूबे स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आदित्य वर्धन सिंह की बॉडी का 5वें दिन भी कोई सुराग नहीं लग सका। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी थक हार कर हार मान चुकी हैं, ऐसा लग रहा है। टीमों ने तलाश अब धीमी कर दी है शायद। फिलहाल तलाश जारी है, कर्मचारी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अना और देखिए, सिक्किम में सेना के 4 जवानों के साथ बड़ा हादसा हो गया। आर्मी ट्रक 800 फीट गहरी खाई में गिर गया। 10 दिन में ऐसी दूसरी घटना देखने को मिली, 4 जवानों की इसमें जान चली गई है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस जाति जनगणना करा कर रहेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के सांगली में जनसभा की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने विकिपीडिया से कहा कि आपका बिजनेस बंद कर देंगे, सरकार से कहेंगे आपको बैन कर दें, भारत पसंद नहीं है तो यहाँ काम मत करो। दरअसल ये मामला विकिपीडिया के खिलाफ मानहानि केस से जुड़ा हुआ है। न्यूज एजेंसी ANI ने जुलाई 2024 में विकिपीडिया पर मुकदमा किया था। ANI का आरोप है कि विकिपीडिया पर उसे केंद्र सरकार का प्रोपगेंडा टूल बताया गया है। ANI ने विकिपीडिया से इसे हटाने की मांग की थी और 2 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। वही देखिए, अगले हफ्ते पेश होगा नई स्विफ्ट का CNG वर्जन। कीमत की घोषणा 12 सितंबर को हो सकती है। मारुति सुजुकी अगले हफ्ते स्विफ्ट का CNG वर्जन पेश करने वाली है। अना और कर्नाटक सरकार ने SBI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के
बॉयकॉट का फैसला वापस ले लिया है। दोनों बैंकों ने गवर्नमेंट को 23 करोड़ रुपए चुकाया है। 36 महीने सऊदी अरब में फंसा राजस्थानी आदिम वीजा में एजेंट ने उलझाया, 3 महीने जेल भी काटी, अब भीख मांगकर गुजारा कर रहा है। भारत में ड्रग चलाता था, कई लोगों से मुलाकात होती थी तो सुनता था कि विदेशों में इसी काम के अच्छे रुपए मिल जाते हैं। परिवार के बारे में सोचता तो रुक जाता, लेकिन हालातों को देखता तो मन करता कि विदेश चला जाऊं और इन हालातों को ठीक कर दूं। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि अपनी धरती से दूर जाकर इन हालातों में फंस जाऊंगा। 36 महीने हो चुके हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। 3 महीने वो जेल में रहा, भीख मांगी, रुपए नहीं थे, मदद करने वाले लोग आते लेकिन खादिम वीजा की बात सुनते ही हाथ खड़े कर देते। विदेशों में नियम अलग है, आज देश में होता तो लाख मददगार आगे आ जाते। अब अपील करता हूं कि राज्य और केंद्र सरकार मुझे इस हालात से निकाले और मुझे अपने वतन वापस ले आए। दरअसल ये कहानी सऊदी अरब में 36 महीने से फंसे उदयपुर जिले के भिंडर ब्लॉक के बांसड़ा गांव के सुरेश जटिया की है। फिलहाल भारत सरकार की ओर से अब सुरेश को वापस लाने की तैयारियां पूरी हो चुकी है और जल्द ही वे वतन लौटेगा। पूजा खेड़कर ने कहा कि एम्स में विकलांगता टेस्ट कराने को तैयार, पुलिस ने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर सवाल उठाया था। दिल्ली हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 26 तारीख को होगी। संकट का नया युग, जापान ने श्वेत पत्र जारी किया है, कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे गंभीर खतरा। भारत टैक्स 2025 में लगेगा कपड़ों का मेला, केंद्रीय मंत्री ने कहा कपड़ा उद्योग से 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। भारत टैक्स 2025 एक वैश्विक कार्यक्रम है जो कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषदों के एक संघ द्वारा आयोजित किया जाता है। 14 से 17 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन होगा। महाकुंभ 2025 से जुड़ा अपडेट देखिए। 7,000 रोडवेज बसों के साथ 550 सिटी बसें भी संचालित करेगी योगी सरकार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह 6 सितंबर को जम्मू में भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। जल संरक्षण की दिशा में बड़ी पहल, पीएम मोदी गुजरात में जल संचय जन भागीदारी की पहल करेंगे। पीएम मोदी 6 सितंबर को गुजरात के सूरत में सामुदायिक भागीदारी के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत करने वाले हैं। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव की बधाई दी और कहा कि हजारों साल पहले लिखे वेदों में भी सूर्य का महत्व दर्शाया गया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का गुरुवार को दिल्ली के भारत मंडपम में आगाज हुआ। और देखिए बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, इंसानों पर फिर महामारी जैसा खतरा, चीन में हुई बेहद डेंजरस 125 वायरस की पहचान। बुधवार को नेचर जनरल में प्रकाशित परिणाम छोटे पैमाने के फर फार्मों में इस नए वाले वायरस के केसेस देखने को मिले। दरअसल वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि चीनी फर फार्मों में रेकून, कुत्तों, मिंक और गिनी पिग सहित जानवरों में पाए गए 36 नए वायरसों में एक चिंताजनक नया बेट कोरोना वायरस भी शामिल है। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए गुड न्यूज आई है, प्रयागराज से कटरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन सेवा शुरू। पहले क्या होता था, जम्मू मेल नाम की ट्रेन अभी तक दिल्ली से जम्मू के कटरा रेलवे स्टेशन तक चलती थी। रेल महकमे ने इस ट्रेन को अब प्रयागराज से दिल्ली होते हुए कटरा स्टेशन तक चलाने की शुरुआत कर दी है। गूगल पे ने अपनाया यूपीआई सर्किल फीचर, अब एक ही अकाउंट से 5 यूजर पेमेंट कर पाएंगे। टेक्निकल कंपनियों से जुड़ा अपडेट आ रहा है, 1 महीने में चली गई 27,000 नौकरियां। अगस्त में देश की नामी टेक कंपनी समेत कई स्टार्टअप ने 27,000 से ज्यादा कर्मचारियों का ले ऑफ किया है। वहीं अगर साल की शुरुआत के आंकड़े देखें तो अब तक टेक कंपनियों ने 1,36,000 लोगों की छंटनी कर दी है। वहीं देखिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उपभोक्ता अब अपनी पसंद से ईवी और सीएनजी वाहनों को खरीदने लगे हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमें अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिक सब्सिडी देने की जरूरत रह गई है। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी खबर है, डेटा को लेकर इसरो अध्यक्ष ने चिंता जताई है, कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है साइबर खतरा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने गुरुवार को कहा कि साइबर सुरक्षा का खतरा डेटा चोरी होने तक ही सीमित नहीं है, ये राष्ट्र की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। खान पान पर कमाई का कितना हिस्सा खर्च कर रहे भारतीय, ईएसी पीएम के रिसर्च पेपर से ये राज खुला है। दरअसल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भोजन पर कुल घरेलू व्यय का हिस्सा काफी हद तक कम हो गया है। पैकेज भोजन पर होने वाले घरेलू व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। चलिए बड़ी खबर, पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों के लिए बदल गए नियम। पीएनबी ने बचत खातों के लिए अलग अलग क्रेडिट संबंधी सेवा शुल्कों में बदलाव की घोषणा की है। न्यूनतम औसत शेष राशि बनाए रखने, डिमांड ड्राफ्ट जारी करने, डीडी की कॉपी बनाने, चेक वापस करने और लॉकर किराया शुल्क शामिल है। कुल मिलाकर पीएनबी ने शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है और ये संशोधित शुल्क 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएंगे, बदलाव का ऐलान हो गया है। और केसीसी बैंक के 1300 कर्मचारियों को मिलेगा 8.33% बोनस, बीओडी बैठक में यह फैसला हुआ है। केसीसी बैंक के कर्मचारियों को 8.33% बोनस यानी 19 कार्य दिवस का वेतन मिलेगा। इस साल दिवाली तक बोनस का लाभ हर कर्मचारी को मिल जाएगा। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक यानी केसीसी बैंक से जुड़ा अपडेट है। जोमेटो का स्टॉक दे सकता है 40% का रिटर्न, जेपी मॉर्गन ने टारगेट प्राइस बढ़ाया है। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन ने स्टॉक के टारगेट प्राइस को 208 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए कर दिया है। सेबी कर्मचारियों का टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है, काम का दबाव बनाने का आरोप लगा है। सेबी चीफ बुच के इस्तीफे की मांग हो रही है। शेयर बायबैक न्यू रूल,
1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। शेयर बायबैक के नए नियम है, निवेशकों पर असर देखने को मिलेगा। दरअसल ये नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएंगे और नए नियम के तहत अगर कोई निवेशक को शेयर बायबैक से फायदा मिलता है तो उसे डिविडेंड माना जाएगा। अब डिविडेंड के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण के 24 नए हॉटस्पॉट की पहचान हुई है, अब कुल 37 जगहों पर प्रदूषण का कहर। वहीं देखिए, महिला यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने अभियान शुरू किया है। अब ट्रेन में मेरी सहेली पूरा ख्याल रखेगी। भारतीय रेलवे ने मेरी सहेली थीम पर एक अभियान शुरू किया है और ये अभियान रेल सुरक्षा बल RPF की ओर से शुरू किया गया। बीते महीने वाहनों की बिक्री में 7% की गिरावट आई है, FADA ने रिपोर्ट जारी की है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की ओर से वाहनों की बिक्री को लेकर एक रिपोर्ट जारी हुई और रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2024 में मंथली बेसिस पर व्हीकल सेल में गिरावट दर्ज की गई है। और नीट UG काउंसलिंग सेकंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए सैंपल पेपर भी जारी कर दिया है। वहीं CBSE कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए। संगम पोर्टल पर फॉर्म भरे जा सकते हैं। और हीरो डेस्टिनी 125 का नया टीजर जारी हुआ है। डिजाइन और फीचर्स की कुछ जानकारियां लीक हुई है। DDA फ्लैट स्कीम से जुड़ा अपडेट है। DDA ने नई पहल शुरू की है। अब फ्लैट खरीदारों को दस्तावेजों के साथ क्या मिलेगा? दरअसल DDA फ्लैट अब DDA फ्लैट खरीदारों को सिर्फ कब्जा पत्र ही नहीं देगा बल्कि सभी संबंधित दस्तावेज एक अनुकूलित फोल्डर में सौंपे जाएंगे। क्या मोबाइल के अधिक इस्तेमाल से हो सकता है ब्रेन कैंसर? वैज्ञानिकों ने बड़ा खुलासा किया है। मोबाइल फोन किस तरह से इंसानों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस पर लंबे समय से चर्चा होती रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि मोबाइल पर लोगों का अधिक समय बीत रहा है जिससे स्क्रीन टाइम बढ़ता है और बढ़े हुए स्क्रीन टाइम को अध्ययनों में सेहत के लिए कई प्रकार से हानिकारक माना गया है। लेकिन आपको बताएं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के शोधकर्ताओं ने अध्ययनों की व्यापक समीक्षा की है और इसके आधार पर एक राहत भरी खबर दी है। विशेषज्ञों ने यह बताया कि मोबाइल फोन से मस्तिष्क या सिर के कैंसर का खतरा नहीं होता है। मोबाइल फोन के अधिक इस्तेमाल को तो वैसे संपूर्ण सेहत के लिए हानिकारक प्रभाव वाला माना जाता है। हालांकि अब इस अध्ययन में इससे होने वाले कैंसर के खिलाफ जोखिमों से पर्दा उठा है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है, 69,000 शिक्षक भर्ती 7 सितंबर को, अभ्यर्थियों से मिलेंगे CM, मंत्री जी ने भरोसा दिया। 9 तारीख को SC में सुनवाई होगी। RSS के कार्यक्रमों में जा सकेंगे उत्तराखंड राज्य कर्मचारी, उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। गुजरात बोर्ड ने 9वीं और 11वीं का एग्जाम पैटर्न बदला, 15 लाख स्टूडेंट को फायदा मिलेगा, पास प्रतिशत बढ़ेगा। गुजरात बोर्ड ने नए शैक्षणिक वर्ष 2024-25 की शुरुआत के 3 महीने बीतने के बाद नए एग्जाम पैटर्न की घोषणा की है। 9वीं और 11वीं क्लास में पढ़ रहे करीब 15 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को तोहफा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मन चलो को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी ने भी बेटी पर गंदी नजर डाली तो वह अपने पैरों पर नहीं चल सकेगा। राजछत्री बेटी पर हाथ डालने का प्रयास किया तो उसके हाथ अलग होंगे और पैर अलग होंगे, बक्सा नहीं जाएगा। पटना में डीजल स्कूल बसों पर बैन अभी नहीं, सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक लग गई है। झारखंड से जुड़ा अपडेट है, 12 अभ्यर्थियों की मौत के बाद सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, नियमों में बदलाव हुआ है, 10 सितंबर से परीक्षा होगी। और बर्ड फ्लू से जुड़ी खबर आ रही है, भुवनेश्वर नगर निगम ने शहर की सीमा के पास एक पोल्ट्री फार्म से संक्रमण का पता चलने के बाद चिकन खाने से बचने के लिए एक सलाह जारी की है। उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर शहर के पास बर्ड फ्लू का पता चला है। BMC ने कुछ दिनों के लिए चिकन खाने से बचने और प्रभावित क्षेत्र से भुवनेश्वर में चिकन की आपूर्ति न करने की सलाह दी है। केंद्र सरकार की नई पेंशन प्रणाली की बातें अब धीरे धीरे साफ हो रही है। मोदी सरकार ने राज्यों को साफ कहा है कि UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में केवल पत्नी ही पति की मौत के बाद आश्रित है, इसके अलावा किसी को भी आश्रित नहीं माना जाएगा। अब रिटायरमेंट के बाद भी स्कूल में पढ़ा सकेंगे टीचर, शिक्षक दिवस पर टीचर्स को ये तोहफा मिला है। खंडवा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, खंडवा मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। मंत्री विजय शाह ने ऐलान किया कि अब रिटायर होने के बाद भी टीचर्स को 65 साल की उम्र तक स्कूलों में सेवा देने का मौका दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है, अब देरी से EMI कटने पर नहीं लगेगी पेनल्टी, सुक्कू सरकार ने स्टेट बैंकर कमेटी को निर्देश जारी किया। विदेशों में बैठकर अब काशी विश्वनाथ के भक्त कमा सकेंगे पुण्य, 4 साल बाद दान देने की अनुमति मिली है। मध्य प्रदेश में CM मोहन यादव ने बदला बाबा महाकाल की शाही सवारी का नाम, नाम बदलकर अब राजसी सवारी कर दिया गया है। कुछ खबर यह है, सफदरजंग हॉस्पिटल में रेडिएशन बंकर बनना शुरू हो गए, कैंसर के सैकड़ों मरीजों को फ्री इलाज मिलेगा। ससुराल में रहना जरूरी नहीं, माता पिता के साथ रहकर भी ससुर से गुजारा भत्ता ले सकती है विधवा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला लिया है। वही देखिए, राजस्थान में चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड का बड़ा आदेश, राजस्थान में 3 दवाओं के कॉम्बिनेशन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। इंडिया TV लाएगा न्यूज ब्रॉडकास्टिंग में क्रांतिकारी बदलाव, HD में लॉन्च हुआ इंडिया TV स्पीड न्यूज चैनल। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट भी जान लेते हैं, राजस्थान में 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी, गुजरात में बारिश बाढ़ से अब तक 49 मौतें हो गई है, हिमाचल प्रदेश में 119 सड़कें बंद है, साइक्लोन अलर्ट भी है, बंगाल की खाड़ी में बन गया माहौल, उड़ीसा बंगाल उत्तर प्रदेश और बिहार तक इसका असर दिखाई दे सकता है। IMD ने 48 घंटों में देश के 9 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र और गुजरात में फिर डराएगी बारिश, IMD ने अलर्ट जारी किया है, कहा कि राजस्थान उत्तराखंड आंध्र प्रदेश में
अगले 3 दिनों तक कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेलीकॉप्टर और नाव से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जयपुर में तेज बारिश, सवाईमाधोपुर में एक की मौत हो गई। आज बिसलपुर डैम के गेट भी खुल सकते हैं। एमपी मानसून अपडेट में देखिए, अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार कमी है। झारखंड के 10 जिलों में बारिश और बिजली का अलर्ट है। वाराणसी में भी झमाझम बारिश देखने को मिली, 23 जिलों में अलर्ट। आगरा में सबसे ज्यादा 124 mm पानी बरसा है। और अब कुछ राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान से शुरुआत करते हैं। अब हर रोज वीसी नहीं कर सकेंगे अधिकारी, सीएम ने कलेक्टर संघ होने वाली बैठकों का दिन और समय निर्धारित किया। राजस्थान में बाल गोपाल योजना बंद की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब दूध की जगह दिया जाएगा मोटा अनाज। 8 स्कूलों को लौटाने पड़ेंगे फीस के 54 करोड़ रुपए। जबलपुर में 74,000 बच्चों से ज्यादा वसूली की थी। छत्तीसगढ़ में 6,285 बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। प्राइमरी स्कूल में भर्ती के हकदार नहीं है, हाई कोर्ट का फैसला सही है। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा की आंसर की जारी हो गई है, 11 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट ये है, महंगाई भत्ते पर बीजेपी सांसद का सीएम साय को पत्र। बघेल ने लिखा कि घोषणा पत्र के वादे को पूरा करें, अभी जनता के पास जाना है। यूपी एनएमएमएस छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए एप्लीकेशन डेट एक्सटेंड हो गई है, 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ के इको गार्डन में जुटे 50,000 शिक्षा मित्र वेतन बढ़ाने और नियमित करने की मांग कर रहे थे। और देखिए बड़ी खबर, गाजियाबाद में 8 सितंबर को बंद रहेंगी मांस और मछली की दुकानें। प्रदूषण पारों के चलते नगर निगम ने आदेश जारी किया। हिमाचल के 2,00,000 कर्मचारियों को सैलरी मिल गई है, 5 दिन देरी से भुगतान हुआ। 1,50,000 पेंशनर्स को अभी 5 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। सोने चांदी के भाव, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे में आपको बताएं। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 275 रुपए बढ़ा, 71,570 रुपए पर आ गया। वहीं बुधवार को चांदी 748 रुपए बढ़कर 82,085 रुपए प्रति किलो हो गई है। वहीं अब चलते चलते आपको बताते हैं आज 6 सितंबर का राशिफल। 6 सितंबर शुक्रवार के ग्रह नक्षत्र शुक्ल और अमृत योग बन रहे हैं। कर्क राशि के नौकरी पैसा लोगों को मन मुताबिक प्रोजेक्ट मिल सकता है। नई शुरुआत के लिहाज से सिंह राशि वालों के लिए आज अच्छा दिन है, परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले होंगे। कन्या राशि के लोग महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलकर फायदेमंद योजनाएं बना सकते हैं। तुला राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों को उम्मीद से ज्यादा फायदा मिल सकता है। मीन राशि के लोगों को नौकरी में मनचाहा ट्रांसफर मिलने की संभावना है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इसके अलावा जो बाकी राशियां हैं उन पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। ना तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नई जानकारी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।